हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है नागपुर जंक्शन महाराष्ट्र से झारखंड के टाटा नगर जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है नागपुर महाराष्ट्र से टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नागपुर से टाटा नगर तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, ट्रेन कितने बजे चलती है नागपुर से और टाटा नगर में कितने बजे पहुंचती है, और नागपुर से इसका चलने का दिन कौन सा है, उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, कितनी दूरी वो कवर करती है और कितनी देर में वो दूरी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नागपुर से टाटा नगर के बीच में तकरीबन 17 ट्रेनें हैं। एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दो दुरंतो ट्रेन है, 11 सुपरफास्ट ट्रेन है, एक हमसफर ट्रेन है और एक अंत्योदय एक्सप्रेस है। जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है वो है मुंबई हावड़ा एसी दुरंतो एक्सप्रेस, और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है वो है इतवारी टाटा नगर पैसेंजर ट्रेन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं एक एक करके कि नागपुर से टाटा नगर तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है। नागपुर से टाटा नगर के बीच में जो पहली ट्रेन चलती है वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस टाटा नगर अंत्योदय एक्सप्रेस। ये अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, हफ्ते में दो दिन चलती है, और ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 22885। ये फुली अनरिजर्व ट्रेन है और इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं नागपुर से लेकर टाटा नगर के बीच में। और ये जो ट्रेन है साउथ ईस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है नागपुर जंक्शन से। ये हर इतवार और बुधवार को 4 नंबर प्लेटफॉर्म से 1:30 पर रात को रवाना होती है, और टाटा नगर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:20 पर 12:50 बाद ये पहुँचती है। ये फुली अनरिजर्व ट्रेन होती है। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन है वो है हमसफर एक्सप्रेस। यह हमसफर एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 20821, और इस ट्रेन का नाम है पुणे सतरागाची हमसफर एक्सप्रेस। नागपुर जंक्शन से यह हर मंगलवार को 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के 1:30 पर चलती है, और टाटा नगर में ये दोपहर के 2:10 पर 12:40 बाद पहुंचती है। इसमें थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के कोच हैं, और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस। ये कर्मभूमि एक्सप्रेस जो है सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 22511। नागपुर जंक्शन से ये हर बृहस्पतिवार को 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के 1:30 पर चलती है, और टाटा नगर में ये शाम के 4:25 पर 14:50 बाद पहुँचती है। इसके अगर कोचेस के बारे में बात की जाए तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है चलाई जाती है, नागपुर से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद नागपुर से टाटा नगर के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 12869। ये नागपुर जंक्शन से 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के 1:40 पर चलती है, और टाटा नगर जंक्शन में ये दोपहर के 3:13 बाद पहुंचती है। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 9 स्टेशन से हर सोमवार को चलती है। इसके अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो नागपुर से टाटा नगर के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम है साई नगर शिरडी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। साई नगर शिरडी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 22893। नागपुर जंक्शन से ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर रात के 1:40 पर पहुंचती है, और टाटा नगर में ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोपहर के 3 पहुंचती है। 13:20 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 66 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है नागपुर से टाटा नगर के बीच में वो है हजूर साहिब नांदेड़ सतरागाची सुपरफास्ट एक्सप्रेस। नागपुर जंक्शन से ये हर मंगलवार को रात के 1:40 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और टाटा नगर में ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर के 1:20 पर पहुंचती है, और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये हर इतवार को सिर्फ चलती है, और ये जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 66 किलोमीटर पर आवर, और 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है।
और ये जो ट्रेन है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा जो है चलाई जाती है। इस ट्रेन का नंबर है 12767 और ये जो ट्रेन है नांदेड़ से सतरागाछी कोलकाता के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नागपुर से टाटानगर की बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है नागपुर से टाटानगर के बीच में वो है मुंबई हावड़ा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है नागपुर जंक्शन से हर सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह 4:25 पर चलती है और टाटानगर जंक्शन में ये दोपहर के 3:55 पर पहुंचती है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 11:40 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसमें फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी के कोच हैं और इस ट्रेन का नंबर है 12261। ये साउथ ईस्ट रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 75 किलोमीटर पर आवर और 880 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर करती है। नागपुर जंक्शन से ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 4:15 पर चलती है और टाटानगर में ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे 3:55 पे दोपहर को पहुंचती है। 11:40 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन है वो भी दुरंतो एक्सप्रेस है। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नाम है पुणे हावड़ा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है हर इतवार और मंगलवार को नागपुर जंक्शन से 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 4:15 पे चलती है और टाटानगर जंक्शन में यह ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है और 11:40 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 2 स्टेशंस हैं और ये जो ट्रेन है इसमें फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी कोच है और 880 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 75 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है फुली एसी ट्रेन होती है, नागपुर जंक्शन से हर इतवार और मंगलवार को चलती है 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 4:15 पे। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम है जो कि नागपुर से टाटानगर के बीच में चलती है वो है आराधना एक्सप्रेस। आराधना एक्सप्रेस का फुल ट्रेन नंबर है, नाम है पोरबंदर हावड़ा आराधना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 12905। ये नागपुर जंक्शन से 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 9:50 पे हर सोमवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है, हफ्ते में 3 दिन चलती है और नागपुर से 9:50 पे चलती है और टाटानगर में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे रात के 11:20 पे पहुंचती है। 13:30 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशंस हैं और इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। पोरबंदर हावड़ा आराधना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 65 किलोमीटर पर आवर। ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, इसे वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। उसके बाद नागपुर से टाटानगर जंक्शन तक चलने वाली, जमशेदपुर तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है जनेश्वरी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वैसे मुंबई से हावड़ा के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको नागपुर से टाटानगर की डिटेल बता रहा हूँ, जनेश्वरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है नागपुर जंक्शन से हर इतवार मंगलवार बुधवार और शनिवार को चलती है, हफ्ते में 4 दिन चलती है, सुबह 9:50 पर चलती है और टाटानगर में ये रात के 11:20 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। ये ट्रेन जो है 13:30 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशंस हैं, इसमें फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। जनेश्वरी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन का इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो है 65 किलोमीटर पर आवर और ये 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद नागपुर से टाटानगर के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम है ओखा हावड़ा लिंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 22905। वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नागपुर जंक्शन से ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 9:50 पर चलती है और टाटानगर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:18 पर पहुँचती है। ये हर सोमवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशंस हैं। अगर इसके कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। यह वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 65 किलोमीटर पर आवर और 881 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। और ये ओखा हावड़ा लिंक एक्सप्रेस जो है वैसे ओखा गुजरात से हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नागपुर से टाटानगर की बता रहा हूँ। तो ये वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इसके तकरीबन 13 स्टेशंस हैं, नागपुर जंक्शन से ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है डेली ट्रेन, रोजाना चलती है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस।
इस ट्रेन का नंबर है 12129। सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। नागपुर जंक्शन से ये रोजाना सुबह 10:10 पे चलती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से, और टाटा नगर में ये रात के 11:55 पे पहुंचती है। 13:45 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, डेली ट्रेनें रोज चलती है, और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर, और 888 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। उसके बाद नागपुर से टाटा नगर के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है वो है मुंबई हावड़ा मेल वाया नागपुर। ये जो ट्रेन है ये भी डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है, सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 128-09। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। नागपुर जंक्शन से ये 3 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रोजाना चलती है। सुबह 11:15 पर चलती है, और टाटा नगर में 14:17 बाद ये रात के 1:32 पर पहुंचती है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन जो वाया नागपुर होकर चलती है 888 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो इकलौती मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन चलती है वो है मुंबई शालीमार खुरला एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 18029। ये 17:18 में नागपुर से टाटा नगर की दूरी जो है कवर करती है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और ये डेली चलती है, रोजाना चलती है। मुंबई खुरला एक्सप्रेस जो है वो नागपुर जंक्शन से 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के दोपहर के 1:25 पर चलती है, और 17:18 बाद टाटा नगर जंक्शन में ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह 6:43 पर पहुंचती है, और इसके तकरीबन 41 स्टेशन हैं, और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है खुरला एक्सप्रेस या मुंबई शालीमार खुरला एक्सप्रेस, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो है 51 किलोमीटर पर आवर, और ये जो ट्रेन है 888 किलोमीटर का नागपुर से टाटा नगर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है नागपुर जंक्शन से 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रोजाना शाम के 5:50 पर चलती है, और टाटा नगर जंक्शन में ये सुबह 9:15 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। 15:25 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 57 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रेन जो है चलती है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट ट्रेन चलती है वो है गीतांजलि एक्सप्रेस। ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। ये भी डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12859। नागपुर जंक्शन से ये 1 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रोजाना शाम के 7 बजे रवाना होती है, और टाटा नगर में सुबह 8:07 पे 13:07 बाद अपनी जर्नी जो है वहाँ पर जाके कंप्लीट कर लेती है टाटा नगर, नागपुर से टाटा नगर के बीच में। और इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं, और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है नागपुर से टाटा नगर की जो दूरी है 888 किलोमीटर की कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 67 किलोमीटर पर आवर। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा ऑपरेट करता है, और नागपुर जंक्शन से ये रोजाना 1 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस, और टाटा नगर जंक्शन में ये 13:07 बाद 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह 8:07 पे पहुंचती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है इतवारी टाटा नगर पैसेंजर ट्रेन। ये इकलौती ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन है, जो नागपुर के पास इतवारी स्टेशन से, इतवारी जंक्शन से चलती है। ये जो ट्रेन है इतवारी से टाटा नगर के बीच में 26:50 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 107 स्टेशन हैं। डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये जो ट्रेन है इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 33 किलोमीटर पर आवर, 870 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इतवारी नागपुर से ये टाटा नगर के बीच में रोजाना चलती है। इतवारी से ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, और टाटा नगर जंक्शन में ये ट्रेन जो है अपनी यात्रा ख़त्म करती है रात के 12:05 पे, और 26:50 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। दोस्तों, इसी के साथ नागपुर से टाटा नगर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने।